वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं दूध की सेवई। दूध की सेवई बनाने के लिए मैंने 2 किलो दूध ले लिया है और मैंने यहाँ पर ली है सेवई, ये मैंने मार्केट से ख़रीदी है, और मैंने यहाँ पर लिए हैं मखाने। इन सब के साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं चावल। चावल को कम से कम आपको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है, तो मैंने इनको पहले ही भिगा लिया था। 1 कटोरी मैंने ली है चीनी। यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, और मैंने यहाँ पर लिया है नारियल का बारूदा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर काजू बादाम को कट करके रख लिया है, और यहाँ लिया है मैंने 1 कटोरी घी। यहाँ पर ली है हमने चिरौंजी। तो यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा सामान रख लिया है मैंने, जिसमें चीनी, देसी घी, नारियल का बारूदा, ड्राई फ्रूट, चिरौंजी, सब मैंने यहाँ पर एक साथ रख लिया है, आप देख सकते हैं गाइस। बाकी मैंने यहाँ पर छुआरे और किशमिश भी ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर दूध को रख दिया है उबालने के लिए। जैसे ही हमारा दूध उबल जाएगा, आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। तो ये जैसे ही ये दूध उबल जाएगा, तो जो हमने चावल भिगा कर रखे थे वो उसमें हम डाल देंगे। तो चलिए ये चावल में सारे दूध में डाल देती हूँ। ये दूध मैंने यहाँ पर 2 किलो लिया है। तो ये चावल मैंने डाल दिए हैं गाइस, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें फिर से उबाल आएगा, तो हम इसमें दोबारा से उबाल आने का वेट करेंगे। और यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है आप मीडियम ही रख सकते हैं, क्योंकि उबाल जल्दी आ जाएगा। बाकी आपको इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें उफान आना शुरू हो चुका है। उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे सेवई। तो सेवई को मैं यहाँ पर तोड़ लेती हूँ ऐसे। तो यस, हम इसको बीच में से ऐसे तोड़ लेंगे सारी सेवई को। तो आप देख सकते हैं ये कितने ही आराम से टूट रही है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक है। तो चलिए हम इस सेवई को दूध में डाल देते हैं। यहाँ पर सारी सेवइयाँ मैंने दूध में डाल दी है गाइस, आप देख सकते हैं। और मैं अब इसको चला दूँगी, और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा दूध है और सेवई है अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे ही हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं जो सेवइयाँ हैं और जो दूध है एकदम मिक्स हो चुके हैं, और अब इसमें उबाल आने वाला है। तो ये देखिए, आप इसमें उबाल आ चुका है गाइस। तो यस, ये बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे चीनी। उबाल आने के बाद ही हमें इसमें चीनी मिक्स करनी है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है, मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी को। वो चीनी वैसे आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल देते हैं, क्योंकि किसी को ज़्यादा खाना पसंद होता है मीठा, तो किसी को कम। मैंने यहाँ पर थोड़ा मीडियम ही रखा है। तो ये सब हम इसको उबलने देंगे। तो हम इसको रख देते हैं चला के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीनी है हमारे इस दूध में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है गाइस। तो अब हम इसमें डालेंगे गाइस ड्राई फ्रूट्स, जो हमने काजू बादाम को पहले ही कट करके रखा हुआ था, तो वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। बाकी अब हम डालेंगे किशमिश। किशमिश के बाद हम डालेंगे यहाँ पर नारियल का बारूद, जो कि हमने पहले आपको दिखाया था। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गाइस। आप देख सकते हैं जो दूध है पक कर एकदम मिक्स हो चुका है, कितना ही हल्का सा थिक हो गया है, और ये कितना ही देखने में यम्मी लग रहा है। तो इसको हम पकने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में घी डालेंगे, और घी में हम जो हमने मखाने लिए थे उन मखानों को हम फ्राई करेंगे। तो हम घी को पहले गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम सारे मखाने को इसमें गर्म कर लेंगे, क्योंकि हमें जो मखाने हैं फ्राई कर कर ही इसमें डालने हैं। तो मैं सारे मखानों को इसमें डाल देती हूँ, और हम इसको लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, क्योंकि इनका जो वेट होता है काफ़ी लाइट होता है। तो यस, ऐसे ही हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, और जब तक थोड़े क्रंची ब्राउनिश ना हो जाए तब तक हम इनको ऐसे ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो हमारे मखाने हैं एकदम क्रंची हो चुके हैं, और ये भुन चुके हैं, इनका कलर भी थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। तो मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। तो हमने दोबारा से कढ़ाई में घी लिया है। अब हम इस घी में डालेंगे चिरौंजी, जो हमने चिरौंजी ली थी,
ये दूध की सेवई में सबसे मेन काम करती है। तो हम इसको चिरौंजी को हम इसमें ऐसे फ्राई कर लेंगे और ये सब देख सकते हैं। अब हम इसको चिरौंजी को क्या करेंगे, हमने साइड में रख लिया है। बाकी जो हमने मखाने को फ्राई किया था वो हमने इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हैं गाइस, हमारी जो दूध की सेवई है देखने में कितने ही स्वादिष्ट और यमी लग रही है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ यहाँ पर। तो यस, आप देख सकते हैं ये ड्राई फ्रूट्स, मखाने, सेवई, दूध कितना ही अच्छा लग रहा है मिक्स होने के बाद। अब हमने जो यहाँ पर चिरौंजी को एकदम फ्राई किया था वो हम इस घी के समीप हमें डालना है, घी से बाहर नहीं निकालना है। तो आप इसको तड़का भी बोल सकते हैं कि हमने इसमें चिरौंजी और घी का तड़का लगाया है। तो आप देख सकते हैं गाइस, अब हम इसको मिक्स कर देते हैं और ये देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है गाइस। आप इसको वैसे ईद पे बनाई जाती है, आप ईद से अलग भी कभी भी फेस्टिवल हो कभी भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बाउल में सारी सेवैयाँ निकाल ली है और आप देख सकते हैं ये कितनी ही थिक हो चुकी है और सारे ड्राई फ्रूट्स एकदम हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स भी हो गए हैं। होप गाइस आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। बाय गाइस।